नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको कर्ड राइस कैसे बनाते हैं ये बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पका हुआ राइस जो है वो ले लिया है। ये पूरी तरीके से पका हुआ है और थोड़ा सा ये पत्ता गोभी कट कर लिया है, इसे कैबेज भी बोलते हैं जो है। ये ऑप्शनल है, आप डालिए या ना डालिए आपके ऊपर है। ऑनियन ले लिया है मैंने, थोड़ा बारीक कटा हुआ एक ऑनियन है, और ये कड़क पत्ती है, और ये मिर्च थोड़ी बारीक कटी हुई, और ये कर्ड। तो चलो दोस्तों मैं बताती हूँ आपको। इसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल जो है गरम हो चुका है। अब हम इसमें जो है एक टीस्पून जो है राई डालेंगे। आपको ये टेस्ट के लिए और थोड़ा डालना है तो डाल सकते हैं, इसी से ये जो है टेस्ट आता है हमारे कर्ड राइस में। अब ये पूरी तरीके से जब लाल हो जाएगा, आप देख रहे हैं कैसे ये तेल में उछल रहा है, ये जब पूरी तरीके से लाल हो जाएगा तो हमें ये ऑनियन डालना है। और इसमें जो है हमें ये सब बहुत ही ज्यादा भी नहीं पकाना है और कम नहीं, बस थोड़ा सा लाल हो जाए तब तक भूनते रहिए। और देखिए इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है ताकि हमारा कांदा जो ऊपर से लाल होकर के ऐसे ना हो, स्लो पर पकाने पर ये अच्छी तरीके से भून जाते हैं। अब इसके अंदर हम मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, और जैसे कि मैंने बताया आपको मैंने कैबेज डाल रही हूँ जो कि बारीक कटा हुआ है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कैबेज का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप नहीं डालेंगे तो भी ये अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है कड़क पत्ती, ये सब आपको स्लो आंच पे ही डाल करके कुछ 5 मिनट तक या फिर 4 मिनट तक पका लेना है। फोटो लेना ले सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑयल में पूरी तरीके से पक गया है, और हमें इसे ज्यादा भी नहीं पकाना है मैंने बताया है। अब ये देखो पूरी तरीके से जो है पक गया है। अब इसमें हम अपना राइस डालेंगे। मैं ये लगभग 3 लोगों का बना रही हूँ, अगर आपको और भी लोगों का बनाना है तो आप जो है राइस और भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसमें मैं देख रही हूँ पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद गार्निश के लिए अगर आपको धनिया डालना है तो डाल दो। ये धनिया मैंने पहले इसलिए डाला है क्योंकि अगर ये राइस ऑयल में थोड़ा पकेगा तो जो है धनिया का फ्लेवर और अच्छी तरीके से आने लगता है और अच्छा हो जाता है जो है। अब इसमें हम कर्ड डालेंगे, कर्ड 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, आपको और लेना है तो आप ले सकते हो, देख रहे हो आप। अब इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक डालूंगी, और इसे पूरी अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। अगर कलर के लिए आपको हल्दी डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन उसे टेस्ट चेंज होने का जो है चांसेस हो सकता है। आप देख सकते हो इसका कलर और इसका जो स्मेल है वो काफी सुंदर आ रहा है। अभी हमारा काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। कर्ड डालने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक ही चलाना है, और
इसका स्मेल आपको बता सकती हूँ, जो बहुत ही काफ़ी सुंदर और काफ़ी टेस्टी लग रहा है। अब ये आपका सर्व करने के लिए यानी खाने के लिए तैयार है। आप सर्व कीजिए और इसका मज़ा उठाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।